नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और वो लोग जो मेरी टू स्टेप प्रोसेस की रेमेडी करते हैं, इंडिगो और हेना की, पहले हेना लगाते हैं, नेक्स्ट डे इंडिगो लगाते हैं टू गेट दैट नेचुरल ब्लैक कलर, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली थ्रिल्ड टू शेयर विद यू कि मैंने एक यो तरीका निकाल लिया है जिसमें हम एक ही स्टेप में उन दोनों चीज़ों को मिलाकर लगाएंगे और हमें नेचुरल ब्लैक कलर भी मिल जाएगा। नाउ अगर आप मेरे को पहले से जानते हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दोनों को मिक्स करके एक बार आपको लगा के दिखाया था, एंड द रिजल्ट्स वर डिस्गस्टिंग। आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसमें मुझे ऑरेंज कलर मिला था, इट वॉज नॉट एट ऑल यू नो नेचुरल ब्लैक कलर तो आया ही नहीं था। और मुझे लगा कि मेरे इंडिगो, मेरा हेना और मेरा टाइम सबसे ज़्यादा तीन चार घंटे मेरे वेस्ट हो गए। सो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैं कुछ यू नो रेशियोज की डिफरेंट करके देखूं, तो मैंने बहुत सारी रेशियोज इसकी ट्राई की, बट कोई भी रेशो, चाहे आप 2:4 रख लो, चाहे जो मर्जी रेशो रख लो, कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। सो फाइनली आई थॉट कि भाई ये तो ना ये रेशो की बात नहीं है, प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द रेशो, प्रॉब्लम इज़ विद द इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और फिर मैंने अपनी सारी रिसर्च फिर से शुरू की, बहुत सारी इधर उधर नेट पे यू नो आर्टिकल्स पढ़े, इनकी केमिकल रिएक्शंस इनकी पढ़ी। सो जो मेन प्रॉब्लम है वो है केमिकल रिएक्शन जो इस यू नो पूरे प्रोसेस में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फाइनली वो नेचुरल ब्लैक कलर नहीं मिलता है। और वो ये कि सबसे पहले तो हम उसमें यूज़ कर रहे थे पहली वाली रेमेडी में आयरन वेसल, यानी कि लोहे की कढ़ाई, जो कि सारे मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके उसको ख़राब कर देती है, और यू नो ऑक्सीडाइज होने की वजह से इंडिगो कलर नहीं दे पाता है। सेकेंड जो हमने उसमें डाला था कॉफ़ी एंड टी लीव्स और आंवला पाउडर, ये सारे एसिडिक हैं। आंवला पाउडर एसिडिक है और उसकी वजह से इंडिगो अगेन फ्लैट हो जाता है, कलर नहीं दे पाता है। तो ये मैंने क्या किया इस बार की, बहुत ही सिंपल है। अब जो फाइनल एक आउटकम निकल के आया है इस रेमेडी का, ये बहुत ही सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मुझसे बस आपको क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स आप भूल जाए, बस आप याद रखें इंडिगो और हेना को, नो कॉफ़ी पाउडर, नो टी पाउडर, और क्या आंवला फलाना ढमकाना, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी चाहिए और हेना चाहिए और यू नो इंडिगो पाउडर चाहिए। मैं सारा शेयर करूँगी कि कौन सा हेना और कौन सा इंडिगो पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। अब तो आई कैन गारंटी कि अब आप ये रेमेडी बड़े ही आराम से घर पे कर सकते हैं। और अब वो लोग जिनको यू नो तीन तीन चार चार घंटे रखने से जुखाम हो जाता है, या 2 घंटे तो आप मैनेज कर ही सकते हो, कुछ मैंने टिप्स भी शेयर कर रखी हैं अपने चैनल पे, जिससे आपको ठंड भी नहीं लगेगी, प्लस इंडिगो अच्छे से काम करेगा। उन सारी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप प्लीज़ वहां से इसे वॉच कर लेना। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कांच का बोल, या फिर बोन चाइना का बोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्टील का या आयरन का नहीं चाहिए। एज आई मेंशनड, हाथी छाप ब्रांड की मेहंदी मैं यूज करती हूँ, ये मेड इन राजस्थान है, और 2 टेबलस्पून, सिर्फ 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए यहाँ पर। अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं लिंक शेयर करूंगी, वहां से आप खरीद लें। नॉर्मल पानी से मैं यहाँ पे इसे घोल रही हूँ, गर्म नहीं किया है पानी मैंने, बिल्कुल ऐसे जैसे यू नो इडली का बैटर होता है ना, उस कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हार्ड रखें आप इसको, क्योंकि कल हमें इसे इसमें यू नो इंडिगो भी मिलाना है। तो इसे अच्छे से घोल के इसे मैं ढक कर रख दूंगी ओवरनाइट, अगले दिन देखेंगे आप, ये हल्की सी ब्राउन कलर की हो गई है। नाउ मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगी कि मेरी पुरानी इंडिगो जो थोड़ी सी बची थी, वो किस तरीके से आप पता करें कि आपकी इंडिगो ऑक्सीडाइज हो चुका है, खराब हो चुका है या क्या है। और फ्रेश पैकेट में आपको खोल के दिखा रही हूं, तो इंडिगो के कलर से, इसके पाउडर के कलर से आपको समझ आएगा कि ये सही है कि खराब है। पुराना वाला जो पाउडर ऑक्सीडाइज हो गया है वो ऑलमोस्ट यू नो ग्रेइश ग्रीन कलर का हो गया है, और जो फ्रेश वाला है वो बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर का है। सो यहां मैं ऐड कर रही हूं 4 टेबलस्पून इंडिगो पाउडर, और इसे अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में आप इसे आप बंद करके रखें। नाउ गर्म पानी लिया है मैंने, 50 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, कोसे से थोड़ा सा ज्यादा गर्म होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऐड करें और इसका पेस्ट बनाते जाएं, और अब इसको इस कंसिस्टेंसी में रखें कि ये थोड़ा सा इडली के बैटर से हल्का सा पतला हो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब वेट नहीं करनी है कि आप सोचें इसे भिगो के रखना है, तो उसी टाइम जैसे ही आप इसको भिगोएंगे,
इसका पेस्ट बनाएंगे इंडिगो का, उसी टाइम इस उसको अपने बालों पे लगाना है। यहाँ मुझे शैम्पू, मैंने आज सुबह शैम्पू किया था, उसके ऊपर साफ बालों पे मैं अब ग्रे बालों पे लगा रही हूँ ये वाला पेस्ट। अच्छे से कोटिंग करनी है और उसके बाद 2 घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी और उसके बाद पानी से वॉश करके आपको दिखाऊंगी। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूं इसी ख्वाहिश में। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ ही आए वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन। मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जाए, दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। सो ये है क्लिपिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग शैम्पू करने से पहले की, और कलर आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा और डार्क हो गया है। सो मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है, आई यूज डव इंटेंस रिपेयर, और अच्छे से शैम्पू कर लिया है, सेमी ड्राई कंडीशन में है, ऑलमोस्ट ड्राई है, और मैं सेम पोजिशन पे खड़ी हूँ जहाँ से सेम लाइट आ रही है, सो दैट यू कैन चेक कि अभी भी कलर नहीं गया है। यहाँ से थोड़ा सा लाइट हुआ है क्योंकि मुझे पहले ही लग रहा था कि यहाँ पर कलर अच्छा आया नहीं था, मे बी ये कवर ही नहीं हुए थे इसलिए, और ये वाला भी बहुत अच्छे से टिका हुआ है। सो गाइस डोंट गो फॉर केमिकल हेयर डाइज एवर। एंड दूसरी बात, हो सकता है कि आपको पहली बार में कलर ना मिले बिकॉज आपके हेयर रेजिस्टेंट हो। मेरे एक्सट्रीमली पोरस हेयर है, और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था मेरे वीडियो के में कि मेरे एक ही बार में बहुत अच्छा कलर आ जाता है और लंबे टाइम तक टिकता है जस्ट बिकॉज पोरस हेयर होने की वजह से। अगर आपको कलर नहीं मिलता है एक बार में, इवन देन प्लीज डोंट गिव अप ऑन दिस रेमेडी, और फॉर योर गुड सेक, फॉर योर अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए, अपने अच्छे बालों के लिए, डोंट एवर गो फॉर केमिकल्स एट ऑल। सो आई एम रियली हैप्पी, आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे मेरी इस जर्नी में। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी मिलूंगी एक अच्छी सी होम रेमेडी के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।